आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। आगरा की जनकपुरी में प्रभु श्री राम सीता के दर्शनों को उमड़ी शहरवासियों की भीड़। जनकपुरी स्थित महल पर विराजे राम सीता के स्वरूप। उत्तर भारत की प्रसिद्ध राम बारात निर्भय नगर स्थित जनकपुरी के रात्रि करीब 9 बजे पहुंची। प्रभु श्री राम के साथ उनके अनुज भ्राता गण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व उनके परिजनों के स्वरूप जनक मंच पर विराजमान हुए। वहीं राम सीता जी के दर्शनों को पाने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासियों का जनसैलाब जनकपुरी में उमड़ा। जनक मंच को रंग बिरंगी विद्युत सजावट से सजाया गया। भव्य महल की अद्भुत सजावट लोगों का मन मोह रही थी। पूरी निर्भय कॉलोनी को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसे देखने के लिए शहर व आसपास के हजारों लोग जनकपुरी में प्रभु श्री राम सीता के दर्शनों को पाने के लिए पधारे। वहीं जनक महल पंच पर श्री राम सीता व उनके परिजनों के स्वरूपों के पहुंचने से पूर्व इंद्रदेव ने बारिश की हल्की बौछारे से राम सीता जी का स्वागत किया, जिससे वहां मंचासीन हुए लोग व दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों पर बारिश की आशंका से माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। लेकिन कुछ समय बाद ही बारिश की बौछारें बंद हो गई, जिससे दर्शकों में उत्साह दिखा। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के साथ ही जनकपुरी समिति के उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि जनकपुरी महोत्सव में ब्रज के कलाकारों के अलावा कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजन इस जनक मंच पर किया जा रहा है और अपने आप को इस आयोजन की पूर्ण निष्ठा से निभाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगरा में नहीं बल्कि माता श्री सीता जी की नगरी मिथिला में हैं। आगरा से लाइव टुडे के लिए संवाददाता अजित कुशवाहा की रिपोर्ट। देश ने और समाज ने पोरबंदर में उनके लिए कुछ स्टैचू बनाए। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल ने काम किया तो सबसे बड़ी लिबर्टी स्टैचू बनी। मुलायम सिंह जी ने सेफई में बड़ा काम किया। मायावती के अपने गांव में काम हो रहा है, चौधरी साहब के लिए अपने काम हो रहा है और सबकी जहां पर मृत्यु हुई है वहां किसान घाट, विजय घाट, राजघाट बने। तो राम भगवान थे, चौराहे पे नहीं लगेंगे, स्मारक नहीं बनेंगे, ऑडिटोरियम नहीं बनेंगे, स्टेडियम नहीं बनेंगे, मंदिर ही बनेगा। तो मंदिर एक दिन अयोध्या में बनना ही चाहिए और बनके रहेगा। सरकार को कदम उठाना चाहिए मंदिर बनाने के लिए। बहुत नज़दीक हैं माननीय उच्चतम न्यायालय, प्रतिदिन सुनवाई करके, और जो मैं अखबारों में बहस देख रहा हूँ वो निश्चित तौर से एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंसेस मंदिर वालों के पास ज़्यादा नहीं है। राम और धर्म सक सुबह शंका और शोध का विषय नहीं है। तात्कालीन किसी भी कवि और लेखक ने कभी इस बात पे मतैक्य नहीं है, मतभेद नहीं है कि राम की माँ का नाम कौशल्या नहीं था और कुछ था, लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा नहीं था और कुछ था, या भरत की माँ का नाम कैकेयी नहीं था और कुछ था, या राम के पत्नी का नाम सीता नहीं था, या बच्चे लव कुश नहीं थे। इवन रावण के पुत्र का नाम मेघनाथ नहीं था, या भाई कुंभकर्ण नहीं था, या बाली और सुग्रीव भाई नहीं थे, तब भी कोई आलोचना नहीं हुई। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं है जिसने जन्म से मृत्यु तक कोड ऑफ कंडक्ट का जीवन जिया हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकतंत्र इतना स्थापित कि समाज का अंतिम व्यक्ति अपने राजा और उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी सीता पर भी टिप्पणी कर सकता है, और राम ने उसको माना। देखिए बहुत तेजी के साथ, मुझे को अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, बहुत तेजी के साथ टेलीविजन के माध्यम से, एमटीवी और फैशन टीवी के माध्यम से पश्चिम सभ्यता, मिक्की माउस, हैरी पॉटर, टॉम एंड जेरी हमारे घर में घुस रहे हैं। आप धन्यवाद दो कि आयोजन समिति ऐसा करके अपने बच्चों को लव कुश, जिनके बच्चे थे जनरल नॉलेज में नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ये सब पाठ्यक्रम में नहीं है। अगर ये आयोजन ना हो, श्रोता और दर्शक ना आए, मंचन ना हो, तो जीके की किताब में पढ़ना पड़ेगा राम के पिता का नाम क्या था।